इट्स डे 4, 5, 6 ऑफ 10 डेज डिटॉक्स कैंप ऑफ संत हिरदाराम योगा एंड नेचर क्योर सेंटर। इस ब्लॉग में हम देखेंगे 4th, 5th, and 6th डे जिसमें सबका जूस फास्टिंग रहेगा एंड हमारा रोज का जो दिनचर्या है जो मैंने आपको इसके पहले वाले ब्लॉग में शेयर किया है, ये डेली रूटीन के अलावा जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अब हम देखेंगे 3 डेज जूस फास्टिंग और डॉक्टर्स के सेशंस होते हैं उसमें भी बताया जाता है जूस फास्टिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे बॉडी पे, कैसे बॉडी डिटॉक्स होती है। तो दिस इज़ द मॉर्निंग टाइम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इट्स अ ग्रीन जूस राइट? हाँ, शक्तिवर्धक काढ़ा है ना मॉर्निंग वाला, इट्स सेकेंड वन। वो 7:30 को देते हैं, ये 9:30। ये तो पूरे दिल की एनर्जी है। नाश्ता नहीं किया तो भी आप 12-2 बजे तक के आराम से चल सकते हैं, पानी की प्यास नहीं लगेगी इसमें, और बहुत सारे इसमें बेनिफिट है सर। और आप यूज करो। कितना पी सकते हैं? 3 गिलास आराम से। हाँ। चलो एक गिलास तो पी लेते। सेंटर में जो भी जूस देते हैं वो हमें डॉक्टर के सेशंस में बताया जाता है कि उसको कैसे बनाना है, उसके बेनिफिट्स क्या है। ये हरी पत्तियों का ग्रीन जूस है, ये आप रोज यहाँ पर पीते हैं। कितने गिलास पीते हैं? 2 गिलास। 2 गिलास पीते हैं, ज्यादा नहीं पी पाते हैं? 3 गिलास, 2 से 3। वो देते नहीं है ज्यादा कभी मांग। ये क्लीनिंग जूस है। यहाँ जो जूस बनाते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं वो समझ लीजिए। ग्रीन जूस का मतलब है मैक्सिमम 90% हरी पत्तियों का रस। हरी पत्तियों में जो मेन है वो है आपकी पालक, नंबर 2 हरे धनिया, नंबर 3 पुदीना, और चौथा यहां पर आपको जो मिला के देते हैं आंवला भी रहता है, पेठा भी रहता है, लौकी भी रहती है, और स्वाद के हिसाब से इसमें सेंधा नमक भी डाला जा सकता है और थोड़ी सी अदरक भी डाली जाती है। ये जो 6-7 चीजों की है ये मिक्स करके यहां पर हम आपको देते हैं, इसलिए कि पेट आपका साफ हो जाए। हमने पहले ही बताया था पेट साफ माने बीमारी माफ, तो इसलिए 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास तक ये पी सकते हैं, और ये जैसे पियेंगे ये आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल साफ। पाइनएप्पल जूस, थैंक यू सो मच। और ये लौकी का जूस किसका है? लौकी का सो इट्स पाइनएप्पल जूस फास्टिंग डे 4। आई एम एंजॉइंग द फास्टिंग। मुझे 4 डेज हो गए हैं फिर भी आई कैन डू मोर 4 डेज आराम से। इट इज वेरी नाइस यमी जूस एंड आई रिड्यूस 2-3 kg वेट इन पाइनएप्पल जूस फास्टिंग। पाइनएप्पल गले के रोगों को ये ठीक करती है, इंटरनल बॉडी में सूजन करता है, सूजन जो है रिमूव करती है, यूरिन को फ्लो को तेज करती है, डायूरेटिक है, और प्लस जिनको थायराइड है उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आयोडीन ब्रोमीन इसमें है। क्या चीज है थायराइड के लिए? पाइनएप्पल, तरबूज गर्मियों का भोजन अच्छा है, अनार है, आयरन ज्यादा है, विटामिन के ज्यादा भरपूर है। मुझे मिला है करेले का जूस, ये एकदम प्योर करेले का जूस है, इसमें हनी नहीं है, कुछ नहीं है, और ये मुझे खत्म करना है। हाँ, इट वेरी डिफिकल्ट टू ड्रिंक करेला वाटर। एकदम प्योर, थोड़ा हनी मिलेगा? नहीं बोल रहे, बहुत मुश्किल है एकदम नाक बंद करके। नाक भी बंद करे तो टंग को तो टेस्ट मालूम पड़ रहा। हाँ, माय गॉड, करेला जूस सबसे डिफिकल्ट है पीना। आधा ग्लास खत्म किया मैंने, हाफ ग्लास। सुप्रिया गारू, कम ऑन, जिंदगी में करेला नहीं पीने वाले रे बाबा।
बाकी से बड़े लग रहा है ये लास्ट का पीना जरूरी है क्या? पीना पड़ेगा। एक स्पून हनी होना मुझे। ये करेला है, कैसे बनाना है? सबसे पहले इसको ये लंबा चीरा देना है, इसके अंदर जो हार्ड गुठली है उसको बाहर करना है, फिर इसको ऐसा कटिंग करके मिक्सी में डालना है, आधा ग्लास पानी डाल करके मिक्स करके छान करके पीना है। कितना करेला लेना? बस एक सफिशिएंट है। इसके क्या लाभ है? सबसे पहले तो इसमें नेचुरल इंसुलिन है, जो डायबिटीज वाले हैं वो रोज लें, अगर ये लेंगे तो उनका जो बाहरी जो मेडिसिन लेते हैं उनका वो डोज कम हो जाएगा, और डायबिटीज मतलब पेनक्रियाज ग्लैंड को ये टोन अप करता है, स्टिमुलेट करता है, और जो अपना उनका इंसुलिन हार्मोन है वो रीजनरेट होता है, रीसेक्यूलेट होता है, तो इसको आप लेने से डायबिटीज चला। दूसरा, जिनको पेट बिल्कुल साफ नहीं होता है, ये एक गिलास का जूस बना के लें, विद इन 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक आपका पेट साफ हो जाएगा। परंतु जिनका लो बीपी है, लो ब्लड शुगर है, वो ना ले, उसका और लो हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? हेलो ऑल, इट्स जूस फास्टिंग गोइंग ऑन। मेरा सेकंड जूस है, मॉर्निंग में मैंने लिया था एशगार्ड जूस, नाउ दिस इज द सेकंड जूस दैट इज आमला जूस। तो अभी मैं ये लूंगी, आमले को क्रश करके पानी में पीस के दिया है, इसमें और कोई फ्लेवर नहीं है, थोड़ा खट्टा है बट इट्स रिच विथ विटामिन सी और थायराइड के लिए भी अच्छा है। तो आई एम हैविंग आमला। ये चार आमले लेने हैं, इनको काटना है, गुठली अलग करना है, बाकी काट के मिक्सी में डालना है, और आधा ग्लास पानी और 5 ग्राम अदरक भी डालना है। अदरक इसलिए क्योंकि हमारे मन में ये है कि आंवला ठंडा है और उधर अदरक गर्म है, तो दोनों मिलकर के दोनों का तासीर नॉर्मल हो जाएगा। इसको मिक्स करके छान करके आप रोज पीजिए, आप देखेंगे बढ़िया पेट साफ होता है। तो ये आंवला केवल पेट ही साफ नहीं करता है, परंतु कफ का कोई भी प्रॉब्लम हो, सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी हो, दमा हो, उसको रिमूव करता है, लंग्स को शक्तिशाली बनाता है। कल मैंने बताया था ना, ये आंवले का रस जो लंग्स के एल्वियोलाइज में जो छिद्र रहते हैं जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, उसमें जो कफ जम जाता है तो हमारे श्वास में तकलीफ होती है। तो कफ कैसे रिमूव होता है ये कल मैंने आपको प्रूफ बताया, क्योंकि लोगों को ये रहता है कि पहले से सर्दी और सर्दी में ले तो कैसे होगा, क्योंकि यही मैंने कहा कि भगवान को सब आइडिया थी, इसीलिए वो ठंड में ठंडी चीज पैदा करता है, गर्मी में गर्म करता है। कहा जाता है ना, लोहा लोहे को काटता है, ठंड ठंड को मारती है और गर्मी गर्मी को मारती है। गर्मी में कितनी भगवान गर्म चीजें देता है। पहला जूस है फटे हुए गाय के दूध का पानी, ये इंडाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, या फिर हमें विटामिन B12 विटामिन डी की कमी है, या और भी दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो जो लोग दूध को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे आफ्टर 30 एज हमें डायरेक्टली दूध नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो डाइजेशन को डिफिकल्ट होता है, पर आप उसके जगह अल्टरनेटिव फटे हुए गाय के दूध का पानी ले सकते हैं, वही बेनिफिट्स वही गुणधर्म आपको मिलेंगे, और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत सुपाच्य होता है। यहाँ आने के बाद डॉक्टर से सीखने मिला इसके बेनिफिट्स क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये है फटे हुए गाय के दूध का पानी, हाफ ग्लास देते हैं, अभी मैं इसको टेस्ट करूंगी। आराम से आप ले सकते हैं, जैसे हम पनीर बनाते हैं तो जो पानी निकल जाता है वही टेस्ट है, तो इट्स टेस्टी, आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इट इज वेरी नाइस ड्रिंक, जिसको भी छोटे बच्चों को बुखार आता है या ओल्ड एज पीपल है
जिनको इंडाइजेशन मतलब डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हर चीज़ के लिए ये बेनिफिट है। उसके बाद दूध के जो भी कैल्शियम है, जो भी बेनिफिट्स है, वो पूरे इसमें है। ओके, तो आप भी लीजिए फटे हुए गाय के दूध का पानी। गाय का दूध लीजिए कितना, 250 ग्राम। उस गाय के दूध रख लीजिए, जब वो उबलना शुरू हो जाए वहीं गैस पे एक नींबू के रस निचोड़ दीजिए, तो जैसे अंदर नींबू जाएगा वो फट जाएगा गर्म में, गर्म में उसको छान करके उसका पानी हमको सेवन करना है। बाकी जो पनीर बना उस पनीर को घर में स्वस्थ व्यक्ति वालों को दे दो तो सब्जी बना के खा लेगा। अब ये जो छेने का पानी बना, इसका क्या लाभ है? ये सबसे पहले पहले औषधि है, हर प्रकार के बुखारों को तोड़ता है। जो मैंने आपको कल भी बताया था, कोई सा बुखार हो, सबसे पहला जो बुखार आता है, सिंपल जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको रिमूव करने के लिए, बुखार को तोड़ने के लिए सुबह रोज खाली पेट आधा ग्लास आप लीजिए। दूसरा, ये इनडाइजेशन को ठीक करता है। जिसका भी डाइजेशन पावर वीक है, ये अगर लेते रहेंगे तो आपका डाइजेशन पावर ठीक रहेगा। क्यों? कि यह एकमात्र औषधि है किसकी, लिवर की। और लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसी ग्रंथि है जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, मुख से लेकर के एनस तक की जो प्रक्रिया होती है उसको ठीक रखता है। जब हमारा लिवर दुर्बल होने लगता है तब ये डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ता है, और लिवर बिगड़ने से या दुर्बल होने से ही सारे बुखार आते हैं। तो बेटर ये है कि इसको अमल लेंगे तो आपका जो फीवर आना या डाइजेस्टिव सिस्टम का बिगड़ना वो नहीं बिगड़ेगा। और दूसरा, एसिडिटी को ये कम करता है, और यह इतना सुपाच्य है, इतना सुपाच्य है कि 2 दिन का बच्चा और 95 ईयर का वृद्ध जो है वो भी ले सकता है और उसको भी खा सकता है। अर्जुन सर के लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, एक एक लाइन उनकी सुनने जैसी और सीखने जैसी रहती है। आप जब भी 10 डेज डिटॉक्स कैंप में जाओ, सर का सेशन मिस मत करना। स्टार्टिंग के 4 डेज, फर्स्ट डे जो जिस दिन हमारा एडमिशन होता है उस दिन नहीं, नेक्स्ट डे यानी डे 2 से लेके 2, 3, 4, 5, ये 5 डेज तक सर के सेशंस रहते हैं मॉर्निंग में। तो आप मिस नहीं करना सर के सेशंस, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत कुछ सीखने समझने मिलता है। जो लोग किसी कारणवश 10 डेज डिटॉक्स कैंप में नहीं आ सकते हैं, आरोग्य केंद्र में नहीं आ सकते हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि सर का यूट्यूब पे चैनल भी है। सर के चैनल का नाम है डॉक्टर विद इन यू। तो आप लोग अर्जुन सर के चैनल पे विज़िट करके आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। मैं सर के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं सर के वीडियोस का, और बहुत जानकारी और बहुत कुछ सीखने आपको मिल जाएगा। पानी में बनाया ये दूध नहीं डालते, नारियल पानी में बनाया है, नारियल पानी। ये लंच टाइम में जूस दिया है, ये थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है इसका। अभी इसके बाद फिर इवनिंग में एक सेशन होगा अलग डॉक्टर का, एवरीडे अलग अलग डॉक्टर्स के सेशंस होते हैं। आयुर्वेदा की जो बुक है उसमें डिस्क्राइब्ड है आपकी जूस फास्टिंग से क्लीनिंग और रिजुवेनेशन। की एसिडिक चीजें कौन सी होती है, अल्कलाइन कौन सी होती है, तो कितने प्रकार के आहार होते हैं, 7 प्रकार के। आप लोग सोएगा नहीं, बच जाते हैं। अब रॉ डाइट क्यों लेते हैं हम, क्योंकि रॉ डाइट जो है उसमें कैलोरीज कम जाती है बट न्यूट्रिशन ज्यादा जाता है। कितने कैलोरी? उपवास चिकित्सा का अर्थ बहुत ही सरल है, उपवास। पहले के समय में क्या होता था और आज भी उपवास इसलिए करते थे या करते हैं, भगवान प्रसन्न होंगे, है ना। फिर चाहे कलयुग में चाहे सतयुग में, और कार्यरत हूँ। और आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल डिसीज के ऊपर, कि लाइफस्टाइल डिसीज क्या होती है,
क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होती है लाइफ स्टाइल डिसीज बताइए आप लोग। आपकी ब्रेन डेथ होने लग जाती है धीरे धीरे धीरे। ये स्पाज जो मैं बोल रहा हूँ ना, स्पाज होना, सिकुड़ना जैसे बोलते हैं ना, एज के हिसाब से या फिर धीरे धीरे जो मल्टीपल फैक्टर रहते हैं। और आपने देखा भी होगा कई बार नेचुरली भी हमें कई एक्सट्रीम कोल्ड में हो या कोई वैसे वेदर में हो तो भी होता है। आपने देखा होगा कोई ठंडी जगह पे जाते हैं एकदम से चेस्ट पेन जैसा लगता है, कई बार ऐसा होता है क्योंकि कोल्ड की वजह से भी एकदम से स्पाज होती है आर्टरीज, तो वो तुरंत के लिए होता है लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर कंटिन्यू ऐसे रहे तो भी प्रॉब्लम है ना, फिर पेन करने लगेगी या बैक में स्ट्रेन आने की वजह से, ओवरलोड आने की वजह से पेन होने लगेगा। तो जनरली रिलैक्स होके बैठना है। पैरों की पोजीशन, ये मैंने घुटने जो मोड़े हैं ये 90 डिग्री होने चाहिए, राइट पोस्चर ये है, 90 डिग्री पे घुटने अपने मोड़े हैं, या तो हम आगे की तरफ करके रखें या 90 डिग्री। अब 90 तक में तो ठीक है कि हमारे पंजे दोनों जमीन से टच में आ जाएंगे, लेकिन अगर आगे रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद हमारी कमर में पेन आने लगेगा। तो इसमें भी लॉन्ग सिटिंग वालों के लिए ये होना चाहिए कि आपके पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल होना चाहिए, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि आपके घुटने जो है हिप ज्वाइंट से एटलीस्ट 15-20 डिग्री इंक्लाइन पोजिशन में हो। अब ठीक है, सो अगर आप अपने प्राण शक्ति को संतुलन में लाते हैं तो वो चीज सबसे ज्यादा पावरफुल है सबसे ज्यादा। क्योंकि आप सोचिए कि आप आसन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट क्या ब्लड सर्कुलेशन आपके कंट्रोल में है? नहीं है। बट इस चीज से प्राण शक्ति आपके कंट्रोल में आ जाती है। प्राण शक्ति को आप ज्यादा से ज्यादा और विस्तार कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके शरीर में जितनी ज्यादा प्राण शक्ति होगी उतनी ज्यादा वाइटलिटी, हम बोलते हैं वाइटल फोर्स है, जो जीवनी शक्ति ही प्राण शक्ति, वो ज्यादा से ज्यादा होगी और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। साथ साथ आप प्राणायाम से बहुत सारी बीमारियां ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, सो प्राणायाम का अर्थ है, दो तरीके से हम प्राणायाम के अर्थ को मानते हैं। एक तो उसको संतुलन में लाना अपनी प्राण शक्ति को, और उसी प्राण शक्ति का विस्तार करना। ठीक है, आपकी इंडेक्स फिंगर पहली और दूसरी उंगली नीचे, बाकी दोनों उंगलियां ऊपर और अंगूठा पास में। ठीक है, किया सबने? गुड, ठीक, रिलैक्स, गुड। अब हम दूसरी तकनीक करेंगे। ठीक है, शुरू कीजिए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, तेजी से, गुड। नहीं लगाते तो भ्रामरी प्राणायाम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपके मस्तिष्क को वो जागृत भी कर सकता है और सुला भी सकता है। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है भ्रामरी प्राणायाम से, पर तभी उस चीज का फायदा होगा जब आप उसके कंपन पर ध्यान रखें। ठीक है, सब हम फिर से करने के लिए आपके सिस्टम को पहले के समय दांतों को साफ करने के लिए नीम की धातु का प्रयोग किया जाता था, पर अब टूथपेस्ट का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए डेंटल केरीज जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा। याद है, भूल गया, मेडिटेशन तक मैंने आपको बता दिया, नित्य कर्म क्या करने हैं वो भी बता दिया, वो 10 एक्टिविटीज में आपको बता चुका हूं। अब हम चलते हैं 7:30 से 8 के बीच में, जैसे यहाँ पर आप काढ़ा ले रहे थे वो 4 दिन हफ्ते में आप कंटिन्यू करेंगे। काढ़ा नहीं ले रहे हैं, किसी दिन आप नींबू पानी शहद लेना चाहते हैं आप नींबू पानी शहद अदरक डाल के ले सकते हैं, पर घर पे ये आपको 4 दिन कंटिन्यू करना होगा हफ्ते में। और यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद में हमने 9:30-10 बजे आपको ग्रीन जूस दिया, ये भी आप नहीं छोड़ने वाले क्योंकि यही आपका नाश्ता है, आपको ये कंटिन्यू करना होगा। 1 ग्लास डिटॉक्स ड्रिंक जिसमें पालक, टमाटर, लौकी, कद्दू, आंवला
नींबू मिक्स करके आपको ग्रीन जूस बना के लेना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जितनी देर में आप नाश्ता बनाते हैं ना उसके आधे समय में ग्रीन जूस बन जाएगा। आप खुद भी पिए, परिवार के लिए भी बना के दें, क्योंकि आपसे बेहतर उनके लिए और कोई नहीं कर सकता। हेलो, और हम हैं संत हिरदाराम नेचुरोपैथी सेंटर में। अभी डिनर टाइम हुआ है और अभी गुलाब सर का लेक्चर खत्म हुआ है और सब लोगों को यहाँ आके एवरी डे बीपी चेक कराना होता है और बहुत हंसते हंसते बीपी चेक करा दे लो। सबको कंपलसरी है ना, एवरी पेशेंट, सब पेशेंट को कराना होता है। जिनको बीपी नहीं है उनको भी कराना है। पकड़ो, मेरा बीपी चेक कराएंगे। हैप्पी बर्थडे है तो केक कट होने वाला है। कहाँ है केक, किधर है? आज हैप्पी बर्थडे आंटी का क्या नाम है? ये बनाया है तिल का, तिल, कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स ऐड करके बनाया हुआ केक है, सात्विक केक। इट इज नाइस। मैंने तो चुन चुन के काजू कलेक्ट किए हैं 4-5 और मैं काजू खा रही हूँ। इट्स नाइस, वेरी नाइस केक। सो नाउ इट्स स्लीपिंग टाइम। सबको अपने अपने रूम्स में आना है। सुना है इस तरह से 4th, 5th और 6th डे हमारा सेंटर में बीतता है। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।